एक बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहा है, जहां पर नवाब सिंह नाबालिग रेप कांड की जांच पूरी हो गई है और जमानत मिली, लेकिन अभी भी रिहा नीलू यादव नहीं हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहा है। कोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ मामले में जमानत दे दी है। नीलू यादव पर मारपीट का मामला दरअसल दर्ज है और उसी को लेकर वो जेल में है, लेकिन अभी भी रिहा नहीं हुए। शासनीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने नीलू यादव के रेप कांड को लेकर जमानत की बात कही है। ये कन्नौज से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव और बुआ की जांच पूरी हुई। सदर कोतवाली पुलिस ने चार्जशीट लगा के केस डायरी कोर्ट में दाखिल किया है। 12 अगस्त को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पूर्व सभा नेता नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। दरअसल पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी कर जल्द से जल्द मामले में सजा दिलवाने की बात कही जा रही है और उसकी तैयारी भी चल रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट कन्नौज से। पीड़ित की बुआ की कोर्ट में जो खारिज है जमानत, वो भी हो चुकी है और सदर कोतवाली पुलिस ने डिग्री कॉलेज से नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। 450 पेजों की चार्जशीट आज सदर कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट के अंदर दाखिल की और उसके बाद ये सब कार्रवाई हुई है।